दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी और भारत का बढ़ता कद देखकर विदेशी मीडिया हैरान है। इसीलिए विदेशी मीडिया फेक न्यूज के सहारे भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश कर रहा है। आज आपके सामने विदेशी मीडिया की नापाक साजिश का खुलासा करने जा रहे हैं। रॉयटर्स ने बीजेपी कार्यकर्ता के नाम पर फैलाया झूठ। पीएम मोदी की छवि को बदनाम करने का ठेका लिबरल गैंग के बाद अब विदेशी मीडिया ने ले लिया है। कोरोना संकट के समय पीएम मोदी के कार्य की हर कोई प्रशंसा कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स दुनिया को अलग ही कहानी बता रहा है। 30 जून 2021 को रॉयटर्स ने पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने के इरादे से फेक न्यूज को पब्लिश कर दिया। रिपोर्ट में लिखा कि कोरोना काल में बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से नाराज हैं। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के बलाई गांव के रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता गोविंद पासी का जिक्र कर बताया गया कि पासी ने कहा कि उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित थी और बेहतर इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत के लिए कोई आगे नहीं आया। खबर पब्लिश होने के बाद गोविंद पासी ने खुद इस खबर का खंडन किया। गोविंद पासी, आपका नाम? हाँ, बलाई गांव के आप? हाँ। तो जो उस जो पत्रकार आए थे वो लोग यही बात पूछ रहे थे, तो हम यही सब कुछ बतावा रहे। अब वो क्या लिखे क्या नहीं, ज्यादा तो हमको नहीं, क्या लिख रहे क्या नहीं लिख रहे। आपने नहीं, वो तो बढ़ा छापा है, हमने इस विषय में कुछ, हम तो सांसद जी का नाम नहीं लिया। हाँ, तुमको सब बात रखेंगे तो वो आप लोगों को कुछ मिलेगा। हाँ, तो अब ये चीज हमका थोड़ी बताए कि मतलब ये लिखा। हम एक आधे बार फोन भी किया उन लोगों को, तो वो साहिल कोई था तो फोनों नहीं उठाए, लगते नहीं वो कुछ कहूँ दूर बतावत कहूँ कुछ बतावत। गोविंद पासी ने साफ बताया कि पीएम मोदी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है और वे आगे भी बीजेपी से जुड़े रहेंगे। श्रद्धा तो बराबर बनी रहेगी। किसके लिए श्रद्धा बनेगी? हमारे बनी रहेगी श्रद्धा ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। न्यूयॉर्क पोस्ट ने हिंदुत्व को किया बदनाम। रॉयटर्स की नापाक साजिश से दो दिन पहले यानी 28 जून 2021 को न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की। न्यूयॉर्क पोस्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मौलवी की हत्या की खबर का खतना कर दिया। दरअसल खबर ये थी कि 5 बेटियों के पिता और 2 पत्नियों के पति मौलवी वकील अहमद तीसरी शादी करने जा रहा था। इससे नाराज होकर मौलवी की दूसरी पत्नी ने उसके गुप्तांग को चाकू से काट कर उसकी हत्या कर दी। इस खबर को प्रकाशित करने वाले न्यूयॉर्क पोस्ट ने तस्वीर में मौलवी या नमाज पढ़ते हुए तस्वीर ना दिखाते हुए रुद्राक्ष पहने और पूजा करते हुए एक हिंदू पुजारी की तस्वीर लगा दी। यही नहीं, खबर की हेडलाइन में इंडियन प्रेस लिखा, जबकि ये खबर पुजारी नहीं बल्कि मौलवी से जुड़ी हुई थी। इससे पहले भी विदेशी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए अनाप शनाप खबरें प्रकाशित करता रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में टाइम मैगजीन ने एक विवादित आर्टिकल पब्लिश कर पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए हिंदू राष्ट्रवाद की वापसी बताया था। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की धमक पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। दुनिया का हर एक देश पीएम मोदी के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, यही बात कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। लिहाजा वो एजेंडा के तहत अब विदेशी मीडिया के जरिए भारत और पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।